सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगे दिख उपकारी है। दिन को स्वरूप जाने राग से भई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन धन तीन ते काज सब आज भये कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुखे तो हम चाहत है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। विविध पाठ और स्तुतियों की चर्चा करते हुए आज हमारे को विनय पाठ जो कि अत्यंत प्रसिद्ध है उसके अर्थ के संदर्भ में यहाँ चर्चा करनी है। सुंदर और मार्मिक भाव भरे हुए हैं। प्रतिदिन पूजन करने वाले लोग नियम से विनय पाठ बोलकर ही पूजन को प्रारंभ करते हैं। यह विधान भी है हमारे यहाँ जैन परंपरा में कि जब आप पूजन प्रारंभ करें तो सबसे पहले विनय पाठ बोला जाता है। आप जानते हैं उसका कारण क्या है? क्योंकि जिनकी हम पूजन करने वाले हैं उनके प्रति जब तक विनय का भाव नहीं हो तब तक आखिर पूजन किसकी करोगे, क्यों करोगे, क्या मतलब है? माने विनय सबसे पहले ये फर्स्ट स्टेप है पूजन करने के पहले का। इस विनय पाठ में भगवान के स्वरूप का वर्णन भी किया है और अपनी लघुता आदि का भी प्रदर्शन किया है। बहुत सुंदर भाव भरे हैं। शुरू करते हैं हम लोग यहाँ से। याद भी होगा सभी को इसमें कुल 22 छंद हैं। देखते हैं क्या स्थिति बनती है। भावना तो अपनी अभी तक यही रही है कि एक एक दिन में एक एक पाठ अपन ने ले लिया है लेकिन इसके छंद थोड़े ज़्यादा हैं। हो सकता है एक की जगह दो दिन में चर्चा हो। इहे विधि ठाड़ो होए के प्रथम पढ़े जो पाठ धन्य जिनेश्वर देव तुम नाशे कर्म जुआठ नाशे कर्म जुआठ। क्या कह रहे हैं? खड़े होने की कोई विधि नहीं। इस प्रकार से खड़े होकर माने ये जो पाठ मैं बोल रहा हूँ ये विनय पाठ खड़े होकर के बोल रहा हूँ। ये जो भगवान की पूजन की जाती है तीन लोक के नाथ की जब हम पूजन करते हैं तो खड़े होकर करते हैं। मैंने तो कल भी कही थी ये बात वहाँ रत्नत्रय विधान कल किया था और उस रत्नत्रय विधान के अवसर पर मैंने ये बात कही कि हमेशा कहते ही हैं पूजन जब भी करें खड़े होकर के करें। अब बड़े बड़े विधान होते हैं आप खड़े नहीं रह पाएँ आपका बैठना मजबूरी हो जाए वो अलग मैटर है लेकिन भगवान सामने बैठे हों या भगवान सामने खड़े हों और हम उनके सामने बैठ जाएं ये तो उनका सम्मान नहीं है अपमान है। ये तो उनका हमसे बड़े किसी भी व्यक्ति के सामने हम बैठ कर के बात नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति यदि हमारे से बड़ा हो कोई व्यक्ति हमसे सम्माननीय हो और वो हमारे सामने खड़ा हो हम उससे बात कर रहे हों तो हम कुर्सी पे बैठ के बात नहीं कर सकते उनसे। आप बात करते समय ऑटोमेटिक आप खड़े हो जाएंगे बैठे बैठे बात नहीं हो सकती। तो ये तीन लोग के नाथ हैं इनके सामने बैठ के बोले नहीं तो विनय पाठ है सब और विनय ही इस बात का सूचक है कि खड़े हैं हाथ जोड़ के सामने। तो विनय कैसी बैठा है वगैरह विनय विनय कब होगी कि उनको देख करके खड़े हो जाएं। ये सबसे बड़ी विनय है भगवान को देख करके खड़े हो जाना स्थिर हो जाना उनके सामने हाथ जोड़ करके विनम्र भाव से। यह विधि इस प्रकार से ठाड़ो होए के खड़े होकर प्रथम पढ़े सबसे पहले जो पाठ पढ़ा जाता है धन्य जिनेश्वर देव तुम नाशे कर्म जो आठ। हे जिनेन्द्र देव हे जिनेश्वर देव हे तीन लोक के नाथ मैं तुम्हें वंदन करता हूँ आप धन्य हैं आपने आठ कर्मों का नाश कर दिया है। नाश
नाश कर दिया है, नाश हो गए, एक ही बात है। काम कुछ भाषा है, काम कुछ ऐसा किया था जिससे कर्म आठ नाश हो गए। भाषा है इस प्रकार की, नाशे कर्म जो आठ, व्यवहार भी है ना अपने यहाँ, चार प्रकार का निश्चय है, चार प्रकार का व्यवहार है। जब लक्ष्य नहीं था कि कर्म आठ नाश हो, जब जीव लक्ष्य कर्म नाश करने की तरफ नहीं था, लेकिन प्रयोजन कर्म नाश करना ही था। प्रत्येक संसारी जीव का प्रयोजन, अभी आपका हमारा प्रयोजन क्या है, हे भगवान कर्मों से अष्ट कर्म देना रूपम, हमारा प्रयोजन है सब कर्म नष्ट हो जाए, भव विकट मन में कर्म बैरिए कर्म नष्ट हो जाए, ये हमारा प्रयोजन है। लेकिन होंगे कैसे, कर्म की तरफ देखने से नहीं, अपने स्वभाव की तरफ देखो, आप अपना काम करो तो कर्म अपने आप नष्ट हो जाएंगे। अनुपचरित असद्भूत व्यवहार एक ऐसा नए है, जो नए इस आत्मा को शरीर का कर्ता कहता है और द्रव्य कर्मों के बांधने और नाश करने का कर्ता कहता है, एक दृष्टिकोण है। सर्वथा नियम त्याग है ना हमारे यहाँ, तो अनेकांत है, विवक्षा से बात करते हैं, उन्होंने ही कर्म का नाश किया है। नाशे कर्म जो आठ, आठ प्रकार के कर्मों का आपने नाश कर दिया है। देखिए क्या कह रहे हैं, ये तो बात हुई सिद्ध परमात्मा के बारे में, सिद्धों का सुमिरण सबसे पहले, अब देखिए उसके आगे क्या कहते हैं। अनंत चतुष्टय के धनी अनंत चतुष्टय के धनी, धनी है क्या वो, धनी धनवान है, नहीं अनंत चतुष्टय के धनी इसलिए तो नमस्कार किया, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख अनंत वीर्य इसलिए तो वंदन किया है। हाँ बाहरी बातों के आधार पर नहीं किया। देखो अनंत चतुष्टय के धनी कौन है, बोले तीर्थंकर परमात्मा अनंत परमात्मा, मैंने पहली दो लाइन में सिद्ध भगवान को याद किया पहले छंद में, दूसरे छंद में यहाँ अरहंत परमात्मा को याद कर रहे हैं। अनंत चतुष्टय संपन्न तुम ही हो सिर ताज, मुकुट में धारण करने वाले, अपने मस्तक पर आपको विराजमान करूं मैं, ऐसे हैं, इससे नीचे नहीं। आप मुक्ति वधु के कंत हैं, कंत माने स्वामी, मुक्ति रूपी स्त्री मुक्ति रूपी कन्या उसके आप स्वामी हैं, माने मोक्ष लक्ष्मी के अधिपति हैं, तीन भुवन के राज तीनों लोकों के राजा हैं, क्योंकि तीनों लोकों के सभी बड़े बड़े लोग आपके चरणों में झुकते हैं। तीन भुवन के राज, बहुत जगह आती है इस तरह की चर्चाएं कि आप जैसा शासक और कोई नहीं हो सकता, सौ सौ इंद्र जिनके चरणों में आकर के मस्तक झुकाते हैं, स्वयमेव ही बिना किसी बात के ही सौ सौ इंद्र आएंगे आपके चरणों में झुकेंगे, आपकी जय जयकार करेंगे, आप तीन भुवन के राजा हैं। और त्रिभुजग की पीड़ा हरण भव दधि शोषण हार, यायत हो तुम विश्व के शिव सुख के करदार। क्या कहा, त्रिभुजग की पीड़ा हरण, तीनों लोगों की पीड़ा को हरण कर लेने वाले हैं आप कैसे भुवनत्रय शंकरत्वात्, तीनों लोकों में शांति करने वाले हैं। हे जिनेन्द्र देव, आपके द्वारा बतलाए गए उपदेश को छोड़कर इस जगत में शांति करने वाला और कोई नहीं। अरे आप क्या शांति करते हैं, आपका तो जन्म मात्र होने पर तीन जगत में शांति हो जाती है, तीनों लोकों में क्षण मात्र के लिए अपार शांति की अनुभूति होती है। तिहु माने तीन, जग माने लोक, तीन लोक की पीड़ा को हरण करने वाले, तिहु जग की पीड़ा हरण, भव दधि शोषण हार, संसार समुद्र को सोख लेने वाले हैं। देखिए इनके इस लाइन का दूसरे प्रकार से अर्थ करें, एक अर्थ तो ये हो गया
कि तीन लोक के सर्व जीवों की पीड़ा को हरने वाले हैं, संसार समुद्र को सोख लेने वाले हैं। ठीक है। अब दूसरा अर्थ, आपने अपनी स्वयं की तीन लोक में परिभ्रमण करने रूप सर्व पीड़ाओं को हर लिया है, आप पीड़ा से मुक्त हो गए हो। क्यों जबकि पीड़ा हरण, किसकी पीड़ा? दूसरे की नहीं, अपनी स्वयं की सर्व पीड़ाओं को आपने हर लिया स्वयं ने। आपका दुख किसने मिटाया? आपको तीन लोक का नाथ किसने बनाया? आप चतुर्गति के दुखों से कैसे मुक्त हो गए? खुद किसने हरा था? जैसे देखो, आपने कोई काम, बहुत बड़ा काम होने वाला हो, आपकी तबीयत खराब हो, या समझ लो आपके ऑफिस बिजनेस घर से रिलेटेड कोई काम हो, और किसी व्यक्ति ने आकर के पूछा कि किसने किया? अब मैंने कोशिश तो बहुत की थी कि लोग मिले सहयोग करने वाले, फिर कोई नहीं मिला, तो फिर मैंने तो खुद नहीं कर लिया, ऐसा कहते हैं ना। तो कोशिश बहुत की, तो जब वो संसार दशा में थे अरहंत परमात्मा, जब ये अरहंत नहीं थे, जब ये मुनि नहीं थे, जब ये गृहस्थ और मिथ्या दृष्टि अवस्था में थे, तो बोले मैंने अपने अंदर की सफाई करने के लिए, मैंने मोह राग देव की पीड़ा और दुख को हरने के लिए बहुत देवी देवताओं के चक्कर लगाए, किसी ने नहीं किया, किसी ने मेरी पीड़ा सुनी नहीं। क्या कोई पराई पीर नहीं समझता है? तो अब देखो, अब फिर क्या किया? बोले मैंने अपनी पीड़ा को खुद ने ही सदा सदा के लिए हर लिया। तिहु जग की पीड़ा हरण, अभी वो पहले वाला अर्थ लगाओ तो उपदेश अर्थ लगाना पड़ेगा, जगत के जीवों के दुख को दूर करने वाले, लेकिन वो अर्थ बैठता नहीं है। सब यही समझते हैं कि आप तीन लोक के जीवों को के दुख को दूर करने वाले हो, लेकिन वो बैठता नहीं। वो इसलिए नहीं बैठता है कि आपने हरा ही नहीं, फिर आप तो नाकाम सिद्ध हो जाओगे। क्या आप यदि सबकी पीड़ा को हरने वाले हो और मैं आज भी दुखी बना हुआ हूं, तो फिर महाराज आपका तो काम हुआ ही नहीं पूरा। कहता आप सारे जगत के जीवों की, फिर नरक की जीवों की भी दुख हर लोगे ना आप? फिर कोई नरक जाके दुखी नहीं होगा ना? फिर कोई तिरंज गति में दुखी नहीं होगा ना? क्योंकि आप हरने वाले हो और आपने हरा और फिर भी दुख दूर नहीं हुआ जगत के जीवों का, इसका मतलब ये हुआ कि हे भगवान, आपका काम करने में समर्थ नहीं है। कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो तीन लोक की पीड़ा जगत के जीवों की पीड़ा नहीं, तीन लोक में परिभ्रमण करने की मेरी पीड़ा, मैं खुद पीड़ित था संसार समुद्र में डूबते हुए। और क्या किया आपने उस पूरी पीड़ा को? कौन से डॉक्टर को दिखाया? अरे कई डॉक्टरों को दिखा लिया, काम नहीं हुआ, फिर अंत में क्या हुआ? मैंने तो खुद नहीं ऐसा किया, और खुद की पीड़ा को खुद ने ही हर लिया, और भव दधि शोषण हार, और संसार समुद्र को खुद ने सोख लिया। फिर क्या हुआ इन सबको करने से? ज्ञायक हो गए हे भगवान आप पूरे विश्व के, ज्ञायक हो तुम विश्व के और शिव सुख के कर्तार, मोक्ष रूपी सुख को करने वाले, मोक्ष सुख आपने प्रकट कर लिया। ठीक है, अब देखिए आगे। हरताग दियार के करता धन प्रकाश, तिरता पद क्या कह रहे हैं? हरता, हरता हुआ, हरण कर लेने वाले हो। कैसे? अघ, अघ माने क्या था? अघ माने पाप, ये बताया था मैंने, आग माने पाप ही बताया था। पाप और पुण्य दोनों, आग माने तो कर्म है, पाप और पुण्य दोनों, भूल गए आप। क माने पृथ्वी, ख याने आकाश, ग याने वाणी, क माने पृथ्वी, ख माने आकाश, ग माने
वाणी और घ माने आत्मा। कगे आता है क्या? घ माने होता है आत्मा और अ लगा दिया पहले, तो आत्मा से विरोधी जो भी परिणाम है, जो भी भाव है, वो सब हो गए अघ। घ का अपोजिट अघ क्या हुआ? घ से अपोजिट माने आत्म स्वरूप से अपोजिट जितने भी राग द्वेष के भाव, कर्म के भाव, पुण्य पाप के परिणाम, शुभाशुभ भाव, ये सब अघ कहलाते हैं। माने सर्व भावों के अंधियार अंधकार को आप हर का हरण कर लेने वाले हैं और धर्म रूपी प्रकाश करने वाले हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं धर्म रूपी प्रकाश करके, धर्म करता धर्म प्रकाश, धर्म रूपी प्रकाश करके समस्त कर्म पाप रूपी अंधकार को आप हर लेने वाले हैं। किताब अंधकार यदि हरा जाएगा तो प्रकाश कैसा होगा? बहुत मार भी कह, देखो यहां इसका मर्म बतलाता हूं इस लाइन का। कितने लोग बोलते समय इन बातों को ध्यान रखेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन भाव इतना गंभीर भरा हुआ है। अघ शब्द का अर्थ यदि हमने पुण्य पाप किया, अघ, और उसको अंधकार कहा, तो प्रकाश क्या होगा? कर्ता धर्म प्रकाश, इसका मतलब आत्म स्वरूप में लीनता रूपी जो सच्चा धर्म है उस धर्म का प्रकाश होगा, तो पुण्य पाप के विकल्प रूप अंधकार नष्ट होगा, उसको धर्म कह रहे हैं यहां। कर्ता धर्म प्रकाश का अर्थ कौन सा धर्म? पूजन कर रहा हूं साहब ये धर्म कर रहा हूं, माला जप रहा हूं ये धर्म कर रहा हूं, नहीं नहीं नहीं, ये कौन सा धर्म? वो धर्म जो प्रकाश करने वाला हो और वो धर्म जो अंधकार को हरने वाला हो। तो पाप पुण्य रूपी अंधकार को धरने वाला, हरने वाला, वो कौन सा धर्म होगा? बोले उस धर्म का नाम है वितराग भाव, उस धर्म का नाम है शुद्धोपयोग, उस धर्म का नाम है आत्म धर्म, आत्म धर्म वो धर्म है, कर्ता धर्म प्रकाश। और फिर क्या होगा ऐसे धर्म का प्रकाश होगा तो? बोले फिर रास्ता दिखेगा और फिर स्थिर हो जाऊंगे, बस मंजिल मिल जाएगी। स्थिरता पद दातार हो धरता निज गुण रास। क्या स्थिरता पद? ये कौन सा पद है? स्थिर पद, सिद्ध पद। स्थिर, स्थिरता माने स्थिरता, स्थिरता जिससे मिले ऐसा पद। अभी तक स्थिर कहां रहा? कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी नरक में, कभी त्रेंज में, कभी चतुर्गतियों में, कभी कोई वेश धारण करके, कभी कोई वेश धारण करके, मुखौटे बदल बदल के, इतने चेहरे बदले हमने। क्या कह रहे हैं यहां? स्थिरता पद दातार, मुखौटा नहीं बदलना है, चेहरा नहीं बदलना है, सिर्फ स्थिर पद को देने वाले और धरता धारण करने वाले निज गुणों की राशि को। बाहर से गुण नहीं, अंदर में जो गुण थे, जो गुण मौजूद थे, उन गुणों की राशि को ही धारण करने वाले हैं आप। धारण करने वाले हैं, धारण करा देने में निमित्त बनने वाले हैं। धर्मामृत उर जल दिसो ज्ञानवान तुम रूप, तुमरे चरण सरोज को नावत दियूं जग। अभी तक तो भगवान भगवान की महिमा चल रही है यहां। ये कह रहे हैं धर्म अमृत रूपी हृदय जलधि सो, जलधि मतलब समुद्र, जलधि मतलब तालाब सरोवर, सबके लिए जलधि शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। जल की निधि जलधि, जल का एक स्थान पर एकत्रित होना नदी नहीं होगी, तालाब सरोवर समुद्र वो सब जलधि कहलाते हैं। ज्ञान भानु तुम रूप, तुमरे चरण सरोज को नावत तिहु जग भूप। नावत माने झुकना, तिहु जग तीनों लोक, और भूप
तीनों लोकों के राजा महाराजा चक्रवर्ती नारायण प्रतिनारायण मंडलेश्वर महामंडलेश्वर ऐसे राजा सौधर्मादि समस्त इंद्र भवन त्रिकुण के इंद्र ये तीनों जग के भूप है सुरेंद्र नरेंद्र नागेंद्र इंद्र अहमेंद्र महेंद्र क्या ये सब के सब क्या है ये तीनों जग भूप है और नावत आपके चरणों में झुकते हैं ये कैसे हैं आप कि धर्म अमृत रूपी जलधि में ज्ञान रूपी भानु तुम जैसे तुम्हारा रूप जैसा है आपके चरण रूपी सरोज को उस जलधि में खिलते हुए देखकर तीनों लोग आपके चरणों में झुकता है। उर मतलब हृदय जलधि मतलब समुद्र और चरण सरोज माने चरण कमल सरोज माने सरोज का अर्थ हो गया कमल राइटली सरोज माने कमल चरण के लिए सरोज शब्द का प्रयोग किया वही अर्थ कौन सा नयन कमल नहीं तो चरण कमल है दोनों पैरों को मिलाकर के खड़े होने पर जो कमल आकृति बनती है उसे देखकर ऐसे कहते हैं कि मानो ये चरण कमलों में हमारा मस्तक झुका रहे हैं हम चरण कमल और ज्ञान भानु एक तरफ तो कमल शब्द का प्रयोग किया एक तरफ ज्ञान रूपी सूर्य शब्द का प्रयोग किया एक तरफ जलधि शब्द का प्रयोग किया इसका मतलब तालाब में वो सूर्य उदित होने पर कमल खिल रहे हैं। तीन चरणों में क्या बात हो गई अब कौन सा तालाब बोले हृदय रूपी तालाब ज्ञान रूपी सूर्य और तुम्हारे चरण रूपी कमल तो हृदय रूपी सरोवर में ज्ञान रूपी सूर्य से खिलने वाले आपके चरण रूपी कमलों के प्रति तीनों लोक के राजा नतमस्तक हो जाते हैं। अरे समझ में आएगा क्या क्या कहना चाह रहे हैं कैसा रूपक बना करके अलंकारिक भाषा में उस बात को सिद्ध किया है। बोलते समय भाव याद आने चाहिए इस तरह के कि सरोवर किसको कहा है बताओ हृदय और सूर्य किसे कहा है भानु मतलब सूर्य ज्ञान रूपी सूर्य और सरोवर कौन सा है सरोवर में सरोवर तो कह दिया हृदय और क्या चरण रूपी कमल कौन कि तुम्हारे चरण रूपी कमल इनके प्रति तीनों लोकों के जीव नतमस्तक होते हैं अपना मस्तक झुकाते हैं। चलिए जब तीनों लोकों के जीव नावत आपके चरणों में झुकते हों यार तीन लोक के जीव झुकते हैं तू नहीं झुकेगा क्या यार मैं तो झुकी रहा हूँ क्या मैं तो ये बात कह करके कि हे जिनेन्द्र देव जिनके चरणों में या आपके चरणों में जब तीन लोक के जीव अपना मस्तक झुकाते हैं तो यदि मैं हाथ जोड़ करके मस्तक झुकाऊं तो कौन से आश्चर्य की बात है हम तो हैं ही कौन आपके सामने। देखिए आगे वाला क्या छंद है छह नंबर का छंद मैं वंदो जिन देव को करियति निर्मल भाव कर्म बंद के छेदने और न कछु पाव क्या कह रहे हैं मैं वंदो मैं वंदन करता हूँ जिन देव को ऐसे जिनेन्द्र देव को पांच छंदों में जिन जिनेन्द्र देव का वर्णन किया ऐसे जिनेन्द्र देव को मैं वंदन करता हूँ करी अति निर्मल भाव अत्यंत निर्मल भाव धर के मैं उन्हें वंदन करता हूँ। देखो भावों की निर्मलता पूर्वक वंदन नहीं होता क्या भावों की निर्मलता के बिना वंदन वंदन नहीं है। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना आपको बेटा हाथ जोड़ो इनके चार बार आपने कहा आप समझ रहे हो वो ये बच्चे हैं ना वो नहीं सुनते किसी की तो बोले ये कब होता है मस्तक कब झुकता है चरणों में कब पड़ता है व्यक्ति
जब विनय का भाव होता है, जब अंदर में हृदय की पवित्रता होती है, अंतरंग परिणामों की निर्मलता के बिना वास्तविक विनय भाव नहीं होता। इसलिए वास्तविक विनय भाव के लिए इन्होंने कह दिया करी अति निर्मल भाव, अत्यंत निर्मल भाव करके मैं बंदो जिन देव को, जिन देव को कि हाँ रामदेव को नहीं, नामदेव को भी नहीं। अभी नामदेव चौक थे हम सामने, किसको, जिन देव को, जिन कौन, जिन्होंने जीता हो वो जिन हैं, उन जिन देव को अत्यंत निर्मल भाव करके वंदन करता हूँ। कि सुन भैया, आज तक हमने ऐसे लोग देखे हैं कि जो हमारे चरणों में आकर के झुकते हैं, वो लगता तो ऐसा है कि हमारी भक्ति करने आए हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद में ही वो अपना रंग दिखाने लगते हैं क्या। और जब उनका रंग सामने आता है तो हम भी असलियत समझ जाते हैं कि ये मेरी भक्ति करने नहीं आया, ये तो अपने खुद की डिमांड लेकर के आया है काम कराने के लिए क्या। आज कैसे पधारना हुआ हमारे यहाँ, अरे नहीं नहीं वैसे आ गए साहब मिलने के लिए सर। अच्छा मिलने आ गए, ठीक है अच्छी बात है। और फिर थोड़ी देर बाद में क्या हुआ, तो एक काम था आपसे। अरे तुम तो कह रहे थे कि वैसे ही आ गए, आपकी याद आ रही थी, आपके दर्शन करने आपसे मिलने आ गए थे, और थोड़ी देर बाद में 10-5 मिनट बैठे नहीं, चाय नाश्ता लगा, इतनी देर में तो आपने अपनी डिमांड सामने रख दी। तो ऐसे ही लोग आज तक आते रहे हैं। तो यदि तू यहाँ वंदन करने के लिए आया है तो मुझे पता है तू कुछ ना कुछ डिमांड तो लाया होगा। बोल क्या चाहिए तुझे, क्या मांगता है। कि नहीं नहीं प्रभु कुछ नहीं चाहता हूं मैं। कि कुछ तो होगा, बिना मतलब तो आता नहीं है व्यक्ति क्या। प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, प्रयोजन और उद्देश्य के बिना तो मंद से मंद बुद्धि भी प्रवर्तन नहीं करता। तू यदि रोजाना चक्कर लगा रहा है तो इसका मतलब तेरा कुछ ना कुछ काम तो होगा। तो क्या कह रहे हैं कि क्या करूं भगवान, काम तो कुछ नहीं है, लेकिन आपके अलावा दूसरा कोई सहारा भी नहीं है। कि किस चीज के लिए, कर्म बंध के छेदने और न कछुपा, मुझे कोई लौकिक नहीं चाहिए। जांचू नहीं सुरवास पुनि नर राज, परिजन साथ जी, धन नहीं चाहिए, संपदा नहीं चाहिए, वैभव नहीं चाहिए, जगत का कोई पदार्थ नहीं चाहिए हे भगवान। तो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं हाँ कर्म बंध का छेदन हो जाए बस। देखो कुछ नहीं मांगा लेकिन क्या मांग लिया है? क्या कल परसों शांति पाठ में पढ़ी थी अपन ने बात, तुम सारी खेदा तार पाए काज लघु जाचू कहा मुझे। मुझे आप सम कर ले। अब ये वही कह रहे हैं यहाँ कि भगवान कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मेरे को, कुछ नहीं चाहिए, यानी आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर तेरे मन में क्या है ये तो बता दे। कि मन में तो ये आपके बगल में आके बैठ जाऊं क्या। वंदे तदगुण लब्धे, मन में तो ये भाव है कि आपके बगल में आकर के बैठूंगा, निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। कर्म बंध के छेदने, छेद करने के लिए और न कछु उपाव। हे जिनेन्द्र देव, आपकी बतलाई हुई वाणी, आपका बतलाया गया मार्ग, इसे छोड़ करके जगत में व्रत प्रतिमाली उपवास किया या तीर्थों पर डेरा डाला। उससे तो कुछ भी नहीं हुआ प्रभु, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता है हमारे को। सर मुंडा लिया, हाथ में पीसी कमंडल ले लिए, और न मालूम क्या क्या काम किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ उससे, और कोई उपाय नहीं है। आपके चरणों की शरण को छोड़कर दूसरा कोई नहीं है रास्ता, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं तेरे लिए। पिता अब तुम आए हो मेरे पास में, मैं क्या कर सकता हूं। सुनो, भविजन को भव कूपते तुम ही कारण हार, दीन दयाल अनाथ पति। क्या कह रहे हैं, भविजन को, भव्य जीवों को,
भव रूपी कूप ते संसार रूपी कुएं से तुम ही काड़नहार तुम ही निकाल देने वाले हो। अब तो स्वामी हाथ बढ़ाकर तारो सो तिर जावे, क्या कह रहे हैं, आप ही निकालने वाले हो, आप ही रास्ता दिखाने वाले हो भव्य जीवों को, अभव्यों को नहीं। जो भाग्यशाली होंगे, जो भव्य जीव होंगे, जिनकी होनहार भली होगी, उन जीवों को संसार रूपी कूप से, कूप माने कुएं से, तुम ही आप ही काढ़नहार काढ़ने वाले निकाल देने वाले हैं। दीन दयाल हैं, दीनों पर दया, अनाथ के पति हैं, अनाथों के नाथ, पति मतलब नाथ, पति मतलब स्वामी, नाथ अनाथ पति माने अनाथ के नाथ, और आत्म गुण भंडार, आत्मा स्वयं ही गुणों का भंडार है। ये बात आप बताने वाले हो भव्य जीवों को संसार समुद्र से कैसे पार करेंगे, और दीनों के प्रति दया और अनाथों के नाथ कैसे कैसे होंगे, बोले आत्म गुण भंडार। माने देखो व्यावहारिक भाषा का प्रयोग भी करते हैं, और व्यावहारिक भाषा का प्रयोग करते करते फिर पुनः अंदर में ले आते हैं, फिर आत्मा तक पहुंचा देते हैं, बोले आत्मा तो स्वयं अनंत गुणों के भंडार स्वरूप है। देखिए आगे क्या कह रहे हैं, चिदानंद निर्मल कियो धोए कर्म रज में, सरल करिया जगत में भविजन को। चिदानंद चैतन्य आनंद निर्मल कियो, चिदानंद आत्मा का पर्यायवाची है, सच्चिदानंद बोलते हैं ना आप, सच्चिदानंद, सत माने वस्तु, चित आनंद चैतन्य और आनंद स्वरूप, निर्मल कियो निर्मल कर देने वाला माने आत्मा को निर्मल करने वाले हैं। आपने आत्मा को निर्मल किया है, अपने आत्मा को ज्ञान आनंद स्वरूपी आत्मा को निर्मल किया है, धोय कर्म रज मैल, और कर्म रूपी रज मिट्टी और मैल को धोय धो दिया है, कर्म रज रूपी मैल को गंदगी को अपवित्रता को आपने धोय धो दिया है। सरल करी अत्यंत सरल, प्रभु ने बताया मार्ग सीधा वे सपाट रे, गुरु ने प्रभु ने जिनवाणी में क्या मार्ग बतलाया है, मुक्ति का मार्ग अत्यंत सीधा है, मार्ग अत्यंत सरल मार्ग है, सीधा वे सपाट मार्ग है, सरल करी या जगत में, क्योंकि जगत के जीव मुक्त होने के लिए, दुखों से छूटने के लिए न मालूम क्या क्या प्रयास करते थे, अनगिनती कष्ट सहते थे, आपने ऐसा सीधा सटीक मार्ग बतला दिया कि बिल्कुल स्ट्रेट सिद्धालय तक ही जाएगा, आपको कहीं हाईवे बतला दिया आपने, भटकते हुए जीवों को मेन रोड पकड़ा दिया आपने, अब इससे सीधे चले जाओ, सीधा ये रोड तुम्हारे घर तक पहुंचेगी, सिद्धालय तक पहुंचेगी। सरल करी या जगत में, इस जगत में भवी जन को, भव्य जीवों को क्या, शिव गैल, गैल रास्ता, ये तो पुरानी अपनी राजस्थानी यहाँ की भाषा है, गैल 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 लगने की बात करते हैं अपन, गैल मतलब रास्ता, गैल शब्द तो रास्ता होता है, शिव गैल मुक्ति का रास्ता। आज आजकल तो नहीं समझते बच्चे, ये जो भाषाएं इन पूजाओं में स्तुतियों में पाठों में होगी ये नहीं समझते होंगे, गैल माने रास्ता होता है, पगडंडी क्या, हाँ छोटा रास्ता कहीं, बहुत छोटा गांव में जो एक छोटे से ये पूछते ना, ये 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 गैलो कोड़े जाओ छे, तो ये रास्ता किधर जाता है ऐसा, शिव वो यो लगता है, आधा लय हो गैलो
वो पागल और गैल रास्ता, ठीक है ना। देखो देखो क्या कह रहे हैं, सरल करिया जगत में, इस जगत में अत्यंत सरल कर दिया है आपने मोक्ष के मार्ग को। आगे, तुम पद पंकज पूजते, तुम पद हे जिनेन्द्र देव, आपके पद पंकज, पद माने चरण और पंकज, पंक माने होता है कीचड़, पंक, और जय माने होता है जन्म लेने वाला, पंकज कीचड़ में जन्म लेने वाला कमल, पंकज माने कमल, पंक माने कीचड़ और पंकज माने कमल। जैसे पंकज पंक में जन्म लेने वाला, ऐसे जलज जल में जन्म लेने वाला, नीरज नीर में जन्म लेने वाला, ये तो कमल के पर्याय बची हैं। माने ज ज जो है अंत में वो उसके जन्म लेने वाले के सूचक में, आपके चरण रूपी कमलों को पूजते, पूजन करते हुए विघ्न रोग टर जाए। अरे साहब ये क्या कह रहे हैं, अरे पहले ये तो पता करो कि विघ्न क्या है। क्या आप समझ रहे थे कि उसने हमारे ऊपर केस कर दिया, इसने टांग अड़ा दी, ये विघ्न है क्या? लेकिन विघ्न शब्द का वास्तविक अर्थ होता है कर्म। क्या क्योंकि जगत का कोई भी पदार्थ, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु आपके कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाला नहीं है, उनके पीछे है बाधक असली कारण कर्म। देखो इसने टांग अड़ाई, इसने टांग अड़ाई, इसकी वजह से ऐसा हो गया, तो कहा नहीं नहीं नहीं, अरे साहब ये बहुत विघ्न करता है। वो विघ्न नहीं करता है, विघ्न करण मंत्रायस्य। तो विघ्न कौन है कि कर्म, तो विघ्न रोग माने कर्म रूपी रोग टर जाए, ऐसा विघ्न रोग टर जाए। रोग का अर्थ भी कोई घुटनों कमर के रोग की बात नहीं है, हार्ट डायबिटीज के रोग की बात नहीं है, यहां तो जन्म जरा मृत्यु रोग। विघ्न माने कर्म और रोग माने जन्म जरा मरण, और जन्म जरा मरण और ये कर्म रूपी रोग ये सब जब टर जाएं तो फिर क्या होगा? कर्म रूपी रोग टरेगा तो फिर शत्रु शत्रु नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी जो शत्रुता थी वो आपके स्वयं के दुर्भग नाम कर्म के उदय की वजह से थी। ये दुर्भग नाम कर्म का उदय था इसलिए वो दुश्मन समझता था। शत्रु मित्रता को धरे विष निर्विषता थाए, शत्रु भी मित्र हो जाते हैं और विष निर्विषता जहर भी निर्विष माने अमृत हो जाए। हे भगवान आपके चरण चरण में आए हुए भक्तों के ये सब चमत्कार भी हो जाते हैं। आप इन बातों को यदि व्यवहारिक दृष्टि से देखो तो आप ये भी कह सकते हो कि हे जिनेन्द्र देव, आपकी भक्ति से बंधने वाले पुण्य से जगत में जो काम बिगड़ रहे थे वे सारे काम सुधर जाते हैं। ये व्यवहारिक भाषा है। रोग दूर हो जाते हैं ये व्यवहारिक भाषा है। तबीयत खराब थी और हे जिनेन्द्र देव आपके पास आकर के भक्ति करने लगा, भक्ति में मन ऐसा तल्लीन हुआ कि रोग की तरफ से लक्ष्य हट जाने से वो तकलीफ ही मानो दूर हो गई। हाँ धनंजय का आधा विष निर्विष्टा था। देखिए आगे नौ छंद हो गए, आगे 10 और 11 करेंगे अपन आज, 11 आज और 11 कल। क्या था फिर देखें, वो नया पाठ है इसमें तो नहीं है। देखिए, चक्री सुर खग इंद्र पद मिले आपते आप, ओहो क्या कह रहे हैं देखो आप, हे भगवान आपका आशीर्वाद मिल जाए तो सारे संकट दूर हो जाएं। नहीं,
हे भगवान आप यदि आदेश दो तो फिर हमारे को ये पद मिल जाए, ये सुन अपने आप मिलते हैं। तू क्या मंत्री बनना चाहता है? ये जो पद हैं ये कुछ नहीं है, इन पदों में कुछ नहीं रखा है, ये सारे पद अपद हैं। ये तो कह रहे चक्री चक्रवर्ती जैसा पद, सुर देवों जैसा पद, चक्रवर्ती सुर मतलब देव और खग माने विद्याधर, ख माने होता है आकाश, ख के साथ में जुड़ा हुआ ग अक्षर गमन करने का सूचक, खग आकाश में गमन करने वाले, अनेक प्रकार की विद्याओं के स्वामी विद्याधर जो विजयार्थ पर्वत की श्रेणियों में रहते हैं। विजयार्थ देखा था आपने? तो ये खग माने विद्याधर, सुर मतलब देव और इंद्र पद, ये सब जितने भी पद हैं चक्रवर्ती इंद्र आदिक राजा महाराजा विद्याधर आदिक मिले मिलते हैं, आपते हैं आप अपने आप ही मिलते हैं, मांगने की जरूरत नहीं है। मांगने वालों को तो भीख भी नहीं मिलती और नहीं मांगने वालों को तिलक में आप पता नहीं क्या क्या दे देते हो क्या? जो मांगे उसको क्या दोगे आप बताओ? मांगने वालों को तो कुछ नहीं दोगे। कहते हैं ना बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। बिना मांगे हुए तो बिना मांगे हुए क्या क्या मिलता है? चक्रवर्ती इंद्र नरेंद्र नागेंद्र पद मिल जाते हैं, मिले आपते हैं आप। ये तो मुझे तो नहीं चाहिए, मैं क्या करूंगा इन पदों का? अभी तो मैंने आपको बीच में एक लाइन कही थी, जांचू नहीं सुरवास, मेरे को तो नहीं चाहिए ये सब। अरे सुन सुन सुन, तेरे को नहीं चाहिए हमें पता है, लेकिन ये सब रास्ते में आएंगे। अनुक्रम करी धीरे धीरे रास्ते में चलते हुए शिव पद लहे, ये धीरे धीरे रास्ते में आते हुए क्रम से आएंगे और तू मोक्ष पद की प्राप्ति कर लेगा। नेम सकल हनि पाप, नेम नियम से, नेम फिर नेम लिया क्या आपने? नेम मतलब नाम नहीं, वो ये इंग्लिश का नेम नहीं है क्या? इंग्लिश के नेम माने तो नाम, यहां नेम शब्द का अर्थ है नियम। नियम से सकल हनि पाप, अनुक्रम करी शिव पद लहे, नेम नियम से तुम्हारे को चक्रवर्ती आदि पद भी मिलेंगे, इंद्रादिक पदवियां भी मिलेगी और नियम से समस्त पापों का नाश करके शिव पद की प्राप्ति भी होगी। सकल माने संपूर्ण, हनि मतलब नष्ट होना और पाप सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। चलिए अंतिम दो पंक्तियां, अंतिम तो नहीं है आज की अंतिम। तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन, सच सच बतलाना, हाथ जोड़ करके खड़े हो भगवान के सामने, विनय पाठ बोल रहे हो, पूजन करना शुरू कर रहे हो और क्या कह रहे हो आप? हे भगवान आपके बिना मैं व्याकुल था, भगवान के दर्शन नहीं मिले तो आपको ऐसी व्याकुलता होती है? भगवान की पूजन करने का अवसर नहीं मिले तो आपको ऐसी व्याकुलता होती है? कैसी व्याकुलता? जैसे जल बिन मीन, पानी के बिना जिस तरह से मछली तड़पती है, ओ पानी से निकली हुई मछली समुद्र के बाहर या उसको निकाल करके बाहर रखो तो बिना पानी के जैसे छटपटाती है, तड़पटाती है। देखिए आपने कभी देखिए? हमने बहुत बार देखी है, मैंने वो वहां से कभी कभी जैसे यहाँ मुंबई समुद्र और वहां बाहर भी कई जगह है, यहाँ समुद्रों से एकदम मछली निकल करके आ गई वहां पानी के बहाव से, अब वो उस जगह पर ऐसी तड़पड़ाती है, तड़पती रहती है। कैसे तड़पती है कि प्राण निकल जाएंगे। क्या आपको ऐसी तड़पड़ाहट और बेचैनी महसूस होती है क्या? आज तो भगवान का दर्शन नहीं मिला, जिनेन्द्र देव के दर्शन नहीं मिले। तुम बिन मैं व्याकुल भयो, जैसे पानी नहीं मिले, भोजन नहीं मिले, हैं सुविधाएं नहीं मिले, अरे 15 मिनट के लिए लाइट चले जाने पर जैसी व्याकुलता थी, क्या ऐसी व्याकुलता भगवान के दर्शन नहीं मिलने पर होती है? लगता है ऐसा?
तुम बिन मैं व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मी, मतलब भगवान के दर्शन करने को कैसी उपमा दे रहे हैं आप। इसलिए कभी कभी लगता है जिन्हें जिनेंद्र देव के दर्शन नसीब नहीं होते अभागे हैं, भाग्यहीन है वो कितना भी माथा मारते रहे हैं लेकिन अभागे हैं, दुर्भाग्य उनका सामने आ रहा है, उन्हें पता ही नहीं है वो क्या कर रहे हैं। तीन लोग के नाथ जिनेंद्र देव वेदियों पर बैठे हों पर इन्हें दर्शन करने का भाव नहीं आए, और बगल से निकल जाए, अभाव नहीं आता दर्शन करने का, ये व्याकुलता चाहिए। जिन्हें दर्शन नहीं मिलते हैं उन्हें ऐसी व्याकुलता होती है। जन्म जरा मेरी हरो, ऊपर कहा था ना रोग, लेकिन रोग टर जाए तो आपको लगा था कि पता नहीं कौन कौन से सारे रोग मिट जाएंगे, साहब हम तो विनय पाठ कर रहा हूँ, हाथ जोड़ करके खड़ा हूँ सामने, कि नहीं नहीं जन्म जरा, जन्म जरा माने होता बुढ़ापा, मेरी हरो, जन्म जरा मेरी हरो, ये जन्म जरा मरी हरो, तो जन्म जरा मरण को हरो, ऐसा हो जाएगा। मेरी हरो तो मेरे जन्म और बुढ़ापे को हरो, एक अर्थ ऐसा हो गया। और जन्म जरा मरी हरो, मरी मतलब होता है मरण, जन्म बुढ़ापा और मरण, जन्म जरा मृत्यु रोग, ये सब मेरे हरण हो जाए, हे प्रभु करो मोही स्वाधीन, और मुझे स्वाधीन पद की प्राप्ति हो जाए। वैसा ही स्वाधीन पद, जैसा स्वाधीन पद इस देह देवालय में सदा काल मौजूद है, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ऐसा तो सदा काल मेरा स्वरूप है। द्रव्य दृष्टि से तो मैं त्रिकाल शुद्ध हूँ, और वर्तमान पर्याय और अवस्थाओं में भी वैसी ही स्वाधीनता मेरे जीवन में प्रकट हो जाए। इस मंगल भावना से हे जिनेंद्र देव आपके चरणों के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ हूँ। इस तरह हमने यहाँ आधा विनय पाठ आज देखा है, कल संपन्न हो जाएगा। तो महावीर भगवान ने की